एक होता है इंसान के वजूद का अमल और एक होता है उसके दिल का जज्बा। जिस दीन को हम मानने वाले हैं वो दीन सबसे पहले दिल से तस्लीम करने का हुक्म देता है। दिल के अंदर अगर कुदूरतें रहती हैं, नफरतें रहती हैं, अदावतें रहती हैं या कमी और कजी रहती है तो अमल फ़ायदा कोई नहीं देता। दिल अगर ज़िंदा रहता है, दिल अगर तवाना रहता है, दिल के अंदर अगर मोहब्बत रहती है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला थोड़े अमल पे ज़्यादा अजर अता फरमाता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है। सारी ज़िंदगी अब्दुल्ला बिन अबी सलोल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ें पढ़ी। हुजूर के साथ जिहाद में भी गया लेकिन मुनाफिक था, तो अल्लाह करीम ने कहा महबूब तू 70 दफ़ा भी इनकी बख्शिश की दुआ मांगे तो चूंकि ये तेरा बेअदब है इसकी मैं बख्शिश नहीं करूँगा। तो शर्त ईमान है। अमल बड़ा ज़रूरी है लेकिन अगर इंसान के पास ईमान की दौलत ही कोई नहीं, अगर उसके पास तकवे की दौलत ही कोई नहीं, अगर उसके दिल में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही कोई नहीं तो लंबी चौड़ी नमाज पढ़ना, सारा दिन कुरान शरीफ खोल के बैठे रहना। कुरान पाक ने एक पूरा उनवान दिया है मुनाफिकीन का, पूरा उनवान, यानी 2, 4, 5 बातें नहीं, पूरा उनवान। सूरह बकरा में जब कुरान मजीद की तिलावत हम शुरू करते हैं तो 13 आयात ऐसी हैं इब्तदा में जो अल्लाह ने मुनाफिकीन की अलामात बयान फरमाई। फिर सूरह मुनाफिकून पूरी नाजिल की, मुनाफिक लोग हैं महबूब तेरे पास आके कहते हैं वमिन अन्नासि मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से कुछ हैं जो कहते हैं हम अल्लाह पर भी ईमान लाए, आखरत पर भी ईमान लाए, लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं है। मेरे अजीजों दिल जो होता है ना, दिल इसमें ईमान का मजबूत रखना बड़ा जरूरी है, ये शर्त है। अगर किसी दिल में किसी सियाबी की जरा सी भी बेअदबी है, जरा सी भी किसी सियाबी की, तो वो जितना मर्जी शोर करता फिरे, जो मर्जी करता फिरे, उसका दीन ईमान अल्लाह की नज़र में काबिले कबूल नहीं है। और अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के बारे में, अहले बैत नबुव्वत के बारे में किसी शख्स के दिल में मोहब्बत का जज्बा ही नहीं, प्यार ही नहीं, उसे तवज्जो ही नहीं कि हुजूर के खानदान से प्यार करना है, तो भाई पक्की बात है गांव की जाहिल औरत भी ये बात समझती है, कहती है अगर मेरे बच्चों से प्यार नहीं करता तो मेरा ताल्लुक क्या है उससे। गांव की जाहिल औरत भी ये समझती है कि जिसका मेरे बच्चों से रिश्ता कोई नहीं उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक हुआ। किस किस्म का वो दीन है और किस किस्म का वो शख्स है जो कहता है कि माज़ अल्लाह ताला जी प्यार से क्या होता है, मोहब्बत को जरूरी है। तो मैंने सूरह शूरा में कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, नमाज रोजा हज ज़कात ज़रूरियात दीन में से हैं, लेकिन जो ऐन दीन है, जो असल दीन है, उसको भी समझना चाहिए।